अभी बात चल रही थी बहुजन की, सबसे पहले मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, हम बात बहुजन की करते हैं, बहुजन है कौन? अभी बहुत साहब ने कहा कि बहुजन वो है जो अम्बेडकरवादी है, तो 85% कहाँ से हो गया? हम बात करते हैं ना 85% बहुजन है और 15% बाकी लोग हैं, तो 85% में अम्बेडकरवादी कहाँ है? और हम बहुजन मानते हैं एससी एसटी ओबीसी सबको, और साथ में उन लोगों को भी जो लोग बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकरवाद को मानते हैं, या जो लोग वाकई में जो समाज के शोषित वर्ग हैं उसके उत्थान की बात करते हैं। साथियों, ओबीसी को मैंने कभी नहीं देखा आपके साथ जुड़ते हुए, कभी जुड़ते हुए देखा है? अभी छोड़ो ओबीसी को, हम बात एससी एसटी की करें कि एसटी कभी आपके साथ है? मैं बड़ा खुल के कह रहा हूं, हमारे बीच में हो सकता हमारा कोई साथी एक आध एसटी का हो। लोग मतलब ही हैं, मतलब के लिए जुड़ते हैं, मतलब के लिए बात करते हैं, रिजर्वेशन के लिए बात करते हैं। जिसको रिजर्वेशन के तहत कुछ सुविधाएं चाहिए वो बाबा साहब की बात करने लगता है, या कहता है कि भाई हाँ हम तो नहीं कर रहे, अदरवाइज किसको परवाह है? कड़वी बात है लेकिन ये सत्य है। फिर बात हम एससी के अंदर आ जाते हैं, एससी के अंदर कितनी जातियां हैं जो अंबेडकरवाद की बात करते हैं? बताइए, हजारों जातियों में से कितनी जातियां हैं जो बाबा साहब को मानते हैं? फायदा सबको चाहिए, रिजर्वेशन सबको चाहिए, आएगा कहां से? पर्टिकुलर कुछ जातियां हैं जो इस लड़ाई को लड़ रही हैं। तो सबसे पहली जरूरत है हमारी आज की कि हम उन लोगों को किस तरीके से अपने साथ लाएं, और इतना आसान नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, थ्योरेटिकल तो हम भी रोज भाषण देते हैं, मेरे बहुत सारे साथियों ने भाषण में बहुत सारी बातें कही, अनप्रैक्टिकल बातें, थ्योरेटिकल बातें, प्रैक्टिकल हो। और जब तक प्रैक्टिकल होकर के नहीं सोचेंगे सब बेकार है। भाषण दिए बाहर जाकर के हम भी जाकर हंसते हुए निकल जाएंगे, अगले दिन फिर कहीं और दूसरी जगह भाषण देने पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहली जरूरत यह है कि हम उन लोगों को किस प्रकार से अपने साथ लाए जिससे कि ये मूवमेंट जो हमारी मूवमेंट है वो वाकई में अम्बेडकरवादी मूवमेंट बने। हमने बात की कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें सत्ता से ऊपर की कुर्सी चाहिए जो सत्ता को कंट्रोल करे, उसी के लिए उनकी जरूरत है। जब तक किसी भी सरकार को, अगर हम 85% की बात करते हैं, तो जब तक 85% का डर नहीं होगा तब तक वो क्यों हमारी बात सुनेंगे? हम अगर वाकई में 22.5% की भी बात करें, हम 25% है, 26% है अगर जनसंख्या हमारी, लेकिन इन एक्चुअली हम इकट्ठे कितने परसेंट है? एक ऐतिहासिक दिन था 2 अप्रैल 2018 का, कोई नेता नहीं था, आम पब्लिक सड़कों पे थी और वो सक्सेसफुल रहा। हमारे बच्चों के साथ उस दिन भी बहुत अत्याचार हुआ, हमारे बहुत सारे बच्चे गोलियां खा के मरे, शहीद हुए। अभी 21 अगस्त के दिन कोशिश की गई कि उसी को दोहराया गया, लेकिन नौबत क्या हुई कि नेता पैदा हो गया हमारे बीच में। जो 2 अप्रैल को नहीं हुआ था वो इस दिन हुआ, और नेता अपनी कुर्सी चमकाने के चक्कर में वहां जैसे स्टेज पे बात हुई कि स्टेज पे हर आदमी एक दूसरे को धक्का मार रहा था, कोई कुछ मार रहा था, इवन कि हमारे संतों को, मतलब लात घुसे वहां पे चले, शर्मनाक बात है ये हमारे लिए। हम अपने संतों की अगर इतनी भी इज्जत नहीं कर सकते तो किस चीज के हम लोग नेता हैं भाई?
केवल हर आदमी को माइक चाहिए था, एक माइक पकड़ता था, दूसरा तार निकाल देता था, तीसरा पकड़ता था, चौथा उससे माइक छीन लेता था। क्या यही हम लोगों की सभ्यता है? तो हम लोगों को इन चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। और बार बार बात आ रही है दोस्तों कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए पॉसिबल नहीं है कि हर गली गली में नेता, हर गली गली में नेशनल अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष पैदा हुए हैं। वो गली नंबर 9 का राष्ट्र अध्यक्ष है, तो गली नंबर 8 का राष्ट्र अध्यक्ष है। एक चीज हो सकती है केवल, कोई सामाजिक संगठन है, कोई राजनीतिक संगठन है, कोई किसी और प्रकार से। हम लोग जो संगठन बड़ा काम कर रहा है, हम सब लोग मिलकर के उसका साथ दें, उसको अपना नेता बनाएं। जो राजनीतिक संगठन बढ़िया काम कर रहा है, हम सब लोग उसके पीछे चल पड़े, वो हमारा नेता। जिस दिन कोई सामाजिक संगठन बढ़िया काम कर रहा है, हम वो राजनीतिक संगठन भी उसके पीछे हो जाए और वो सामाजिक संगठन वाला नेता हमारा नेता, तब बात बन सकती है। लेकिन होता क्या है, सारे ठेके हर आदमी ने अकेले ने उठा रखे। राजनीति भी वही करेगा, धार्मिक काम भी वही करेगा, सामाजिक कार्य भी वही करेगा, हर काम का ठेका उसका है, तो कैसे काम चलेगा? बहुत सारी चीजें हैं। पार्टियों की बात करने लगते हैं हम लोग और बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो हम लोगों को जो जाति की बात है उसको नकारना पड़ेगा। हम आपस में जो बाबा साहब ने एक ही मंत्र हमको दिया था, हमें शेड्यूल में बांधा था उन्होंने, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, हम आज तक उसी को नहीं अपना पाए। हम लोगों ने रोटी का रिश्ता कायम कर लिया, लेकिन बेटी का रिश्ता आज तक भी कायम नहीं कर पाए। हम दूर क्यों जाते हैं? क्या हमने आपस में अपने बेटी का रिश्ता कायम किया? बताइए। हर आदमी मेरी जात बड़ी, वो कहता मेरी जात बड़ी। जब बेटी के रिश्ते की बात करने जाते हैं, सबसे पहले सब कास्ट पूछते हैं। और यही दिक्कत हर एक संगठन में आ रही है, सब कास्ट देख करके उसको पद दिया जाता है। अध्यक्ष मैं बन गया तो मैं चाहता हूं सारे जितने भी पद हैं वो मेरी सब कास्ट के लोगों को मिले। गलती से कोई दूसरे सब कास्ट का आदमी आ गया तो वो चाहता है कि उसकी सब कास्ट के लोगों को सब जगह, हर स्टेट में, हर जगह सब उसको मिले। तो ये चीजें हमें छोड़नी पड़ेगी। हमें बाबा साहब को, अम्बेडकर बात को मानना, सबसे पहली जरूरत है हमें कि हम सब कास्ट के मुद्दे को छोड़ें, और दूर नहीं तो कम से कम अपने अंदर रोटी और बेटी का रिश्ता कायम करें। जब तक हम नहीं करेंगे, हम वाकई में एक नहीं हो सकते, और एक होने के लिए ये सबसे पहली जरूरत है हमारा। हम लोग अपने आप में, जितने भी हमारे संगठन हैं, बहुत बार बात हुई, मैं आज फिर ऐलान करता हूँ कि मैं जिस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जिस दिन भी कोई आदमी आकर के ये कहता है कि नहीं, जिस लोग कहते हैं कि भाई आपसे योग्य ये है, मैं योग्य के छोड़ो, मैं तो पता नहीं कितनी बार, मैं अभी रिटायर हुआ हूँ अप्रैल में, और अपनी पहल पे, जबकि ऑल ओवर इंडिया से मेरे सभी साथियों ने कहा नहीं, केवल और केवल बीएस भारतीय जनरल सेक्रेटरी रहेगा। मैं सिमडेगा का पिछले 22 साल से जनरल सेक्रेटरी, 97 से। मैंने कहा नहीं, मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करते, मैं नहीं रहूँगा। और मैंने जबरदस्ती इलेक्शन कराए, और वहाँ पे इलेक्शन के द्वारा जो बना उसको हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया। मैं SC से था, अब की बार ने ST को बनाया। लेकिन उन्होंने एक शर्त पहले रख दी कि CBWD को फेडरेशन में आप ही रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अगर मंजूर हो तो आपका, हम आपका अलाउ करते हैं इलेक्शन, नहीं तो इलेक्शन नहीं होगा। मैं 2005 से इस फेडरेशन का चेयरमैन हूं। मैं खुद चाहता हूं कि अब कोई दूसरा साथी इसको जिम्मेवारी को संभाले। आप लोग समर्थ हैं, मेरी आप सब लोगों से अपील है कि आप लोग
जो भी साथी, क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं फेडरेशन के साथ, आप फेडरेशन के साथ जुड़िए, फेडरेशन के साथ ही आप जितनी भी संस्थाएं उनके साथ जुड़िए, मिलजुल करके चलेंगे। केवल हमें यही करना है कि हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई एक ही संस्था, मैं बार बार सुनता हूँ सबको मिला के एक कर दो, सबको मिला के पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कुकुरमुत्तों की तरह हम लोग बिल्कुल गली गली में हमने संस्थाएं बना रखी है। आज भी बात होती है एक नई संस्था बना दो, एक ये बना दो, अरे जो है भाई उन्हीं को चला लो, उनमें से ही आदमी आ जाओ, उनको चलाओ अच्छा है। कितनी संस्थाएं बना हुए, संस्था बनाने का मतलब होता है कि मैं अगर नई संस्था बना रहा हूं तो मैं ही अध्यक्ष रहूंगा, चाहे हो गली नंबर 9 की संस्था, लेकिन अध्यक्ष मैं रहूंगा। तो मैं आज ये बहुत सुंदर पहल है बी आर बोध जी की, उन्होंने फेडरेशन में वो बहुत सालों से जुड़े रहे हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट पर रहे हैं, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल तक रहे हैं, जिन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं हमें उनका साथ देना है। और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकल के आएगी जिस जो जो मैं देख रहा हूँ हम लोगों को सभी संस्थाओं के ऊपर, जैसे आरएसएस है ना, बीजेपी और वो जितने भी अलाइड संस्थाएं, एक ऐसी संस्था हमारे बीच में होनी चाहिए जिसका पर्पज सत्ता हत्याना नहीं होगा, वो सत्ता दिलाने वाली होगी। इसमें जो लोग रहे वो कोई एमपी एमएलए काउंसलर की बात नहीं करेगा, लेकिन एमपी एमएलए काउंसलर बनाने की बात करेगा, उसके जो भी पदाधिकारी बने, जो भी उसमें ऐसे लोग बने, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए कि वो जिंदगी में कभी भी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।